नमस्कार, मैं नीरज कुमार राठौर, घमासान.com इंदौर। आज हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट के तौर पर इंदौर की एक सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर पल्लवी व्यास मैडम विशेष रूप से आमंत्रित हुई है। मैडम, आपका जो स्टार्टअप है, देखते ही देखते एक राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान मिली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली कम समय में, तो ये स्टार्टअप का आइडिया आपके मन में कैसे आया? नमस्कार, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो क्वेश्चन है, वाकई में ये हर व्यक्ति मुझसे पूछता है कि ये आइडिया कहाँ से आया। तो इसके लिए मतलब मैं एक ही ये स्टार्टअप मतलब एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर है मेरा इस क्वेश्चन का कि ये स्टार्टअप के बजाय मैंने एक सोशल नीड को समझा और नीड को समझ के उस नीड को मैंने एड्रेस किया कि लोगों की वाकई में ज़रूरत क्या है। और जो हमारी फैमिली में भी एक हादसा हुआ था कैंसर इस के कारण, तो कैंसर अवेयरनेस पे हर व्यक्ति काम कर रहा है, कैंसर होने के बाद की चीज़ों पे हर व्यक्ति काम कर रहा है, उसके क्योर पे काम कर रहा है, पर मैं रूट पे काम कर रही हूँ। मैं काम कर रही हूँ कि कैसे इस बीमारी को जड़ से मिटाया जाए बाय स्टॉपिंग पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स जो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते हैं। तो गाय एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम जैविक खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर ले सकते हैं, और हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो हम लोग इतना यूज़ करते हैं तो वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल हो और हम सभी को अवेलेबल करवा सकें, तो इस रूप में मैंने शुरुआत की है। जो आप बता रहे थे कि आपके यहाँ पर कोई हादसा हो गया था, उसका कुछ डिटेल देंगे, क्या हुआ था एग्जैक्टली? एक्चुअली मैं तो तब सीन में भी नहीं थी, सिंपल मैं एक हाउसवाइफ थी, बेटा मेरा छोटा था, मदर इन लॉ को कैंसर हो गया था, शांता मेरी मदर इन लॉ का नाम है, जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच थी, और जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर था, तो उस वक्त हमें लगा कि ये तो क्योरेबल है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज़ द सेफेस्ट कैंसर, तो डायग्नोस के थ्रू और ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग सफ़र कर सकते हैं, बट हम समहाउ वो हो नहीं पाया। जब हमें दोबारा जब कैंसर अटैक हुआ, वो साल भर के अंदर हो गया, और हमारे जब पता चला तो 10 दिन ही थे, तो वो सीन ने काफ़ी डिप्रेशन में ला दिया पूरी फैमिली को। तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ कि इस बीमारी के पीछे मेन रीज़न है पेस्टिसाइड एंड केमिकल, जो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सब्जियों के थ्रू, क्योंकि यदि आप ठीक है अभी भी ऑर्गेनिक खेती करें पर जमीन का पेस्टिसाइड लेवल ही इतना ख़राब हो चुका है कि आप प्योर नहीं आपको मिलेगा। तो उसके बाद जब हमने हमारी एक्सपोर्ट फर्म हमारी शुरू हुई, तब हमने देखा US मार्केट में एक्सपोर्ट हम लोग करते थे, दैट टाइम हमने देखा कि जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो वहाँ ऑर्गेनिक्स की डिमांड काफ़ी है, तो हमने देखा हम इंडियंस क्या खा रहे हैं, हम इंडियंस चमकती हुई दाल खाएंगे, रॉ जो चीज़ें होंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक जितनी भी होंगी उनमें पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं होगा तो जल्दी ख़राब होती है, उनका शेप भी जो होता है वो बेडोल होता है। यदि सब्जियों की बात करें तो क्योंकि वो इतनी उनमें चमक नहीं होती है जितनी आपकी पेस्टिसाइड एंड केमिकल वाली चीज़ों में होती है। तो इस थॉट प्रोसेस से हमने शुरुआत की, इस कारण से कि हम लोग कम से कम सोसाइटी का एक तबका जो हमसे, चाहे हम 1000 लोगों को सर्व करेंगे पर हम उन्हें प्योरिटी सर्व करेंगे, तो इस उद्देश्य से मैं इस फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग फील्ड में आई। हालांकि आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का नहीं है, न तो आपके यहाँ पर कोई पुश्तैनी एग्रीकल्चर है, न कोई एग्रीकल्चर में आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, फिर भी आपने एग्रीकल्चर जैसे चैलेंजिंग स्टार्टअप को ही क्यों आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज मेन डोमिनेटिंग फील्ड। हाँ, मेन डोमिनेटिंग है एग्रीकल्चर, क्योंकि आपको लेबर से बात करना होता है, सब लोगों से बात करना होता है, कई सारी बातें जो मतलब डेयरी फार्मिंग में मतलब बीइंग अ वुमन मेरे सामने नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें भी होती है, बट क्योंकि गाय को हम लोग माता के रूप में मानते हैं, जब मतलब लेडीज वुमन एज ए वुमन एंटरप्रेन्योर सारे काम कर सकती है, तो व्हाई नॉट दिस, ये क्यों नहीं कर सकती, और ये तो जमीन से जुड़ा हुआ काम है, औरत भी एक माँ है, वो भी जन्म देती है, तो मैं तो धरती से जुड़ के गाय माता से जुड़ के ये कार्य कर रही हूँ। हालांकि एग्रीकल्चर में अभी देखने में आया है रिसेंटली कि फार्मर्स के सुसाइड भी बढ़े हैं और ये सब केमिकल फार्मिंग की वजह से हुआ है, तो आपने जो सॉल्यूशन निकाला है ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो फार्मिंग, मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिया का फ्यूचर भी छुपा हुआ है।
आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो फार्मर्स को उसकी फसलों का और इन सब का पूरा मतलब रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि मीडिएटर जो होते हैं, आज यदि हम हैं, हम बोलें कि हमने हमारे फार्म पे टोमेटो ग्रो किए, तो यदि हम मंडी में सेल करने जाएंगे तो उसकी रेट आएगी 1 रुपया, पर वही एंड यूजर तक पहुँचते पहुँचते उसकी कॉस्टिंग होगी 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ पर केजी। तो ये जो मार्जिन है वो उस पर काम करना पड़ेगा। और ये बात सही बोल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू फार्मर्स को रेट भी अच्छे मिल सकते हैं। इवन इंडियन क्या, आउट ऑफ इंडिया भी अभी इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, और इंडिया में भी लोग अवेयर हो रहे हैं, और रेट्स कम हो जाएंगे, पर जब सभी लोग एकजुट होकर काम करेंगे तब रेट्स कम होंगे। तो इस पर फ्यूचर तो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और क्योंकि हम लोग हेल्थ, लोगों की हेल्थ के साथ तो खिलवाड़ ना करें, एक कहीं ना कहीं एक ये संतुष्टि है कि हम लोगों की हेल्थ मतलब केमिकल और पेस्टिसाइड के थ्रू खराब ना करें। तो ईमानदारी से कोई भी काम किया जाए तो सक्सेसफुल होता है। इसमें आपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस जो होते हैं, जैसे यूएस में एनओपी का सर्टिफिकेशन लगता है, डोमेस्टिक मार्केट में एनपीओपी का सर्टिफिकेशन लगता है, इसके लिए भी प्रयास किए हैं क्या आपके स्टार्टअप ने? हाँ, ये स्टार्टअप, जैसे अभी स्टार्टअप में सारे प्रयास किए हैं, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट यूएस होता था, तो हम मर्चेंट एक्सपोर्टर के रूप में हमारे पास सभी लाइसेंसेस हैं। और रही हमें फार्म पे भी अब बहुत जल्दी, क्योंकि हम लोग सर्टिफाइड मतलब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अब हम ले रहे हैं, फार्म की लैंड भी हमारी ऑर्गेनिक, नेस्ले, इवन नेस्ले कंपनी हैज कन्फर्म दैट हमारा फार्म मतलब सर्टिफाइड हो सकता है, बिकॉज दे अप्रूव्ड आवर फार्म। तो वो तो कंपनी मतलब ऑर्गेनिक्स और प्योरिटी के लिए जानी जाती है। सो अभी हम सर्टिफिकेशन कुछ हो चुके हैं, कुछ होने बाकी हैं, बट एज ए एक्सपोर्टर वी हैव ऑल कंप्लीटेड आवर फुलफिलमेंट। इसमें बिजनेस में आपका कुछ फॉरेन विजिट भी हुआ क्या कभी? हाँ, बिजनेस में हुआ है। यदि शांता ट्रेड एक्सिम की बात करें तो तब सर थे फील्ड में, मैं सीन में नहीं थी, पर शांता फार्म के रूप में मैंने एमएसएमई डिपार्टमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, हम लोग एक डेलीगेशन में सेलेक्ट हुए थे एज ए शांता फार्म रिप्रेजेंटेटिव। आई वॉज देयर, मैं वहाँ थी, और ये जान के आपको भी काफ़ी प्रसन्नता होगी कि हम लोग गए थे पोलैंड, जो कि एक एग्रीकल्चर और मतलब मिल्क से रिच कंट्री है, पर फिर भी वहाँ पे लोग पेस्टिसाइड और केमिकल के खिलाफ हैं, एडल्ट्रेशन के खिलाफ हैं, मिलावट के परिणामों से वाकिफ है। तो वो वहाँ पे भी जब हम गए तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। डेफिनेटली मिला ही होगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इन चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। हमारे यहाँ भी लोग अवेयर हो रहे हैं, पर बहुत पॉइंट्स में रेशियो है उसका, काफ़ी कम रेशियो है अभी फिलहाल। और इसमें जैसे आपको क्या क्या चैलेंज आपने फेस किए इनिशियली? चैलेंजेस तो देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, एज ए स्टार्टअप इंदौर के लोगों को काउ मिल्क का टेस्ट कराने वाले हम थे। जब हमने लॉन्च किया तब लोगों को ये समझाना मुश्किल हो गया कि आपको गाय का दूध पीना चाहिए, गाय का दूध तो पतला होता है, गाय के दूध में स्मेल होती है, जबकि ऐसा नहीं है, गाय का सारा फीडिंग पर डिपेंड करता है। बहुत सारे हमें क्वेरीज आई। उसके अलावा काउ मिल्क इंट्रोडक्शन के अलावा जो चैलेंजेस थे वो लॉजिस्टिक बिगेस्ट चैलेंज था, फार्म मैनेजमेंट काफ़ी चैलेंज था, लेबर प्रॉब्लम, क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहते। आजकल किसान भी अपने बेटे को पढ़ा लिखा के सोचता है वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। फार्म में काम करने वाले लोग का अनस्किल्ड वर्कर्स की कमी है, और जो अनस्किल्ड है वो फिर इतने मक्कार हैं कि वो मतलब मक्कारी से बाज नहीं आते। तो ये वाली सारी चीज़ें मतलब जो एक सिस्टमेटिक फार्म कल्चर जो हम लोग ये दूसरे कंट्रीज में देखते हैं, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। डेफिनेटली आपने काफी अच्छा एग्जांपल पेश किया कि फार्मर्स के जो बच्चे हैं वो नॉन एग्रीकल्चर साइड में हो रहे हैं डाइवर्ट्स। आज किसान नहीं चाहता है कि उसका बेटा भी किसान बने, लेकिन आप किसान की फैमिली से न होने के बावजूद भी आप किसान बन चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे हमारे किसानों को भी एक सबक लेना चाहिए। यही है, और ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये जैसे सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट हुआ, स्वच्छता अभियान हुआ, वैसा ये जब मूवमेंट होगा तभी ये सारी चीजें सफल होगी। और मैं चाहती हूँ मेरे साथ जितने भी मेरे भाई है,
लोग हैं या आप जितने भी बहने हैं जो इस फील्ड में काम करना चाहती हैं, मैं चाहती हूँ सबको जोड़ूं और उन सबके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म डेवलप करूं। डेफिनेटली। आपने जो गौशाला बनाई है अपनी महेश्वर में, वहाँ पे कितनी गायें हैं अभी, और गवर्नमेंट की जो गौशाला की अभी जो पॉलिसी चल रही है सब्सिडी की, उसको लेके आपका कोई सुझाव है क्या? देखिए, फार्म पे तो अभी 200 गायें हैं और सभी ब्रीड की गायें हैं, और गायों पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, हम लोग ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि गायों का कोई एक पर्टिकुलर शोरूम नहीं है जहाँ से आप खरीद सकें अच्छी ब्रीड की, अच्छी नस्ल की। तो वही गाय यदि किसान को एक गाय मतलब 10 जानवर होते हुए उसको 25 लीटर भी दूध नहीं मिल रहा, तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो इस पे काम करना होगा। उस पेशे पे मैं काम कर रही हूँ। और जो सरकार की जो गौशालाओं का सिस्टम है, मैं चाहती हूँ कि सरकार को भी इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए कि जो वाकई में जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर इस चीज़ को सिस्टमेटिक कैसे बनाएं, ताकि गौशाला एक पूरे ही सोशो इकोनॉमिक जो मतलब अपना खुद का रन करके सेल्फ सस्टेनेबल मोड में कैसे आए, ताकि उसे दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, ना ट्रस्टियों के ऊपर डिपेंड रहना पड़े, ना मतलब सब्सिडी पे डिपेंड रहना पड़े, तभी हो पाएगा। मैं उस सिस्टम पे काम कर रही हूँ। और आपके पास कुछ ऐसा कुछ मॉडल है क्या, कोई एग्जांपल है कि कोई सेल्फ सस्टेन गौशाला का एग्जांपल? मैं मेरे फार्म के द्वारा ही इस फील्ड में सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करना चाहती हूँ, नो डाउट, क्योंकि ये न्यू स्टार्टअप है, एग्रीकल्चर और गाय का बैकग्राउंड ना होते हुए भी, इवन गाय का भी हमें नहीं पता था कि देशी और विदेशी होती है, इससे बड़ी बात क्या होगी। आप जब हमने शुरू किया तब हमारे पर, हाँ आज मैं गाय की को देख के यही है कि जब आप कोई काम दिल से करते हैं तो उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं और पूरी स्टडी करते हैं। मैं उस तरीके से इस फील्ड में आई हूँ और अभी भी मैं सीख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। मेरे को लगता है कोई किसान है तो मैं उससे सीखूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि हमारे फार्म के द्वारा मैं उसे इस मॉडल में डेवलप करूँ और उस तरीके से ये मैं दूसरी गौशालाओं को भी काम से लगाना चाहती हूँ, कि ताकि हम लोग सब लोग मिलके, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट द अलोन वर्क, ये सारा टीम वर्क है। तो मैं हमारे फार्म के माध्यम से मैं इस तरह का मॉडल क्रिएट करना चाहती हूँ कि ये सोशल इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट हो और लोगों को प्योरिटी भी मिले, गौशाला भी सस्टेनेबल हो, और जो गाय को हम गौ माता मानते हैं तो उसका भी थोड़ा हम लोग ध्यान रख पाए, वाकई में उसे गौ माता डिक्लेयर कर पाए। आपके यहाँ पर फार्म हाउस पे कितने लोगों ने अभी तक विजिट किया, क्या कोई फॉरेन डेलीगेशन भी आया, और राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आपके विजिट किए हैं क्या? हाँ, अभी फॉरेन डेलीगेशन बट मतलब क्या, कहाँ से शुरू करूँ, फार्म पे विजिट तो कई सारे लोगों ने किया है, इवन इंदौर के तो सारे प्रोमिनेंट्स लोगों ने फार्म विजिट किया, क्योंकि सबके लिए कौतूहल का विषय था कि दूध दूध में क्या अलग है, दूध में क्या नया, दूध तो दूध है बट क्या दूध में नया है ये वहाँ आके पता चलता है, फार्म में क्या नया है ये वहाँ आके पता चलता है। तो कई लोगों की जो रहता था तो कई लोगों ने विजिट किया है। फॉरेन डेलीगेशन की बात करें तो एमरल्ड हाइट्स के जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स बच्चे जो आते हैं हमेशा फार्म विजिट वो करते हैं, एमरल्ड स्कूल के बच्चे, वो लोग चाहते हैं कि बच्चे भी ज़मीन से जुड़े, तो स्कूलों के बच्चे सैंपल प्रोफेशनल स्टडीज़ एंड और भी ये लोग जो हैं फार्म विजिट करते हैं। इवन नीदरलैंड एम्बेसी से मैं जुड़ी हूँ, नीदरलैंड बहुत सारा काम कर रही है यहाँ पे, नीदरलैंड एम्बेसी, नीदरलैंड गवर्नमेंट, इसराइल गवर्नमेंट, तो वो फार्म पे आके उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, ट्रेन किया है, दे वांटेड टू मेक अ ट्रेनिंग सेंटर हियर, वो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करना चाहते हैं। तो इस तरह और नेताजी नेता और इन लोगों की बात करें तो कई सारे अभी MSME मिनिस्टर, उनका डायरेक्ट हमें गाइडेंस है और कुछ नहीं, कोई उनका हमारा पारिवारिक ना रिश्ता है ना कुछ है, पर उनका सिर्फ एक ये थॉट प्रोसेस है कि वो हम लोग गाय और इस पे काम कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से वो कैसे इस चीज़ गौशाला को या एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाए। तो MSME मिनिस्टर जो गिरिराज सिंह जी हैं वो भी फार्म के लिए आए और अनेक मंत्री फार्म विजिट कर चुके हैं। अभी इस समय युवा लोग बहुत बेरोजगारी फेस कर रहे हैं और स्टार्टअप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टार्टअप स्टैंड योजना भी अभी चल रही है, तो क्या आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे अपना खुद का स्टार्टअप लाएं?
और कैसे आगे बढ़े, क्योंकि नौकरियां तो इतनी रही नहीं, गवर्नमेंट नौकरियां भी बिल्कुल लिमिटेड हो गई हैं। अब स्टार्टअप ही एकमात्र सहारा रहा है फ्यूचर में युवाओं के लिए। ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नौकरियां तो बड़ी मुश्किल है और स्टार्टअप में भी मतलब वैसे हर व्यक्ति अपना सोच के करना चाहता है स्टार्टअप, पर उसके लिए थोड़ा सा उन्हें जो भी मैं बेरोजगार युवा है उन्हें मैं एक एडवाइस करना चाहूँगी कि वो अपनी ही जो आप जिस सराउंडिंग में हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट को समझ के उस रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन निकालें और उसे ही एज ए स्टार्टअप प्रेजेंट करें। तो लोकल रिक्वायरमेंट, चाहे आप कहीं भी हों कैसे भी हों, आप उसको कैसे इनोवेटिव वे में करते हैं, तो वो ये थॉट प्रोसेस होता है, उस थॉट प्रोसेस को डेवलप करें कि हम क्या कर सकते हैं। जितना मतलब जितना बच्चे आजकल के, क्योंकि मैं देखती हूँ काफ़ी, मैं फार्म पे भी जाती हूँ, बेरोजगार वो करना नहीं चाहते, इवन मैं वर्कर्स को भी काम करने का जो बोलती हूँ वो उतना थॉट प्रोसेस डेवलप ही नहीं कर पाते। उनको सिर्फ अपनी जो वर्कर है उनको अपनी सैलरी से मतलब होता है, जो बेरोजगार पढ़ रहे हैं वो इधर उधर घूमने में या इधर उधर में ही समय खराब कर देते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, स्टार्टअप्स के लिए कोई अच्छे होंगे, इवन मैं चाहती हूँ कि मुझसे ऐसे स्टार्टअप जुड़े, छोटे स्टार्टअप आपके साथ में जुड़े, कोलैबोरेशन करें। मैं चाह रही हूँ जैसे अभी क्या एग्जैक्टली कोलैबोरेशन आप चाह रहे हैं अभी? रिसेंटली अभी मेरा सेज यूनिवर्सिटी में वुमेंस डे के दिन लेक्चर है एंटरप्रेन्योरशिप पे, और वो चाह रहे हैं मतलब एक्चुअली वहाँ पे भी स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट जैसा कि आपने बोला बेरोजगारी से पीड़ित है, तो वो लोग मैं चाह रही हूँ, मैंने उन्हें ऑफर किया कि आई वॉन्ट टू इन्वाइट द इंटर्न्स, कि मैं चाहिए इंटर्न्स दें जो मैं इस तरह से स्टार्टअप आइडियाज़ लेके आए, क्योंकि एग्रीकल्चर में है, हाइड्रोफोनिक में है, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, किसी का मैकेनिकल माइंड है, तो कैसे इस चीज़ों को सस्टेनेबल बनाए कम वे कम उसमें। मैं चाहती हूँ मैं हूँ ना साथ में, आप आओ, मैं आपको डेमो दूँ, मैं आपको डेमो प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, आप हमारे साथ काम करो और मैं आप लोगों को आप ले जाऊंगी। पर एक मॉडल होता है वो सोशल इकोनॉमिक उसमें होना चाहिए और एक सबकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल होगा, तभी वो एज ए स्टार्टअप सिलेक्ट हो पाएगा। आपने सस्टेनेबल फार्मिंग पे काफी फोकस किया है, जबकि सस्टेनेबल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें दोनों में अंतर है, तो आप सस्टेनेबल फार्मिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? एक्चुअली सस्टेनेबल ऑर्गेनिक वर्ड तो आजकल की देन है, हम लोग पहले की बात करें तो हम लोग पहले ऑर्गेनिक करते थे, जैविक करते थे, जो हम पेस्टिसाइड और केमिकल तो जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज आ गई हैं तो आई हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पहले भी करते थे, पर हम लोग इस उद्देश्य से भटक गए। तो इस उद्देश्य से क्यों भटके? क्योंकि हमें क्रॉप का कंप्लीट रिटर्न नहीं मिला, कंप्लीट रिटर्न नहीं मिलने के कारण लोग इस उद्देश्य से भटक गए, क्योंकि अपने यहाँ पे सूखे की मार, उसकी मार, पानी की मतलब पानी कभी ज़्यादा पानी कभी कम पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सस्टेनेबल फार्मिंग को डेयरी फार्मिंग से ऐड किया, दोनों को एक पूरा कंप्लीट, ना डेयरी फार्मिंग इंटरकनेक्शन दिया, यस, ना डेयरी फार्मिंग अलोन है ना एग्रीकल्चर अलोन है। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि दोनों चीजें एक साथ ही चलेंगी और एक साथ ही चलनी चाहिए, तभी वो एक जो चेन सिस्टम है वो कंप्लीट होगा। आपने अपने यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं आपके आसपास शांता फार्म्स के आसपास, आपने देखा कि वहां पर वो जो फार्मर्स हैं डेयरी में पिछड़ रहे हैं, फार्मिंग में पिछड़ रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई योजना बनाई है क्या ताकि वो भी आगे बढ़ सके? हाँ, शांता फार्म के आसपास जो फार्मर्स हैं, मैं ये नहीं पूछूंगी पिछड़ रहे हैं, एक्चुअली वो बहुत कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, पर मैं उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो अभी तक वहीं ही हैं और हम चाहते हैं कि फार्मर्स को हैंड होल्डिंग करके एक सारे फार्मर्स के साथ मिलकर एकजुट होकर मिलकर हम लोग काम करें। मैं मेरे ऊपर बात नहीं कर रही हूँ कि मेरे को काम करना है, मैं हम लोग की बात कर रही हूँ कि हम सब लोग मिलकर काम करें। इसके लिए हम एक क्लस्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर क्लस्टर और फार्मिंग क्लस्टर, एग्रीकल्चर क्लस्टर और मिल्किंग क्लस्टर बोथ में वर्क करेगा, जिसमें उनको ट्रेनिंग्स
ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, उनको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में अवेयर करवाया जाएगा। फॉरेन के बाहर से जो भी कंसल्टेंट्स आते हैं जो कि वॉलेंटरी सर्विसेज देते हैं, या फिर जो इजरायली और नीदरलैंड्स वगैरह जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ से यदि कंसल्टेंट आके या फिर टेक्नीशियंस आके कुछ बताना चाहेंगे तो उनके लिए प्रॉपर प्लेस होगा। तो इस तरह से, और वहाँ मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो वो करेंगे उसके लिए उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और मिल्क प्रोडक्ट्स दोनों के लिए, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, और उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके माध्यम से हम एक्सपोर्ट में भी हम हमारा ओरिएंटेशन भी कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट की भी काफ़ी डिमांड है एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट जो रहता है उसकी। तो हम ऑर्गेनिक जो फार्मर्स हैं उनके साथ हम ये सब लोग काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ ए प्रोसेस, ये भी प्रोसेस में है। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरे से अच्छे लोग आके जुड़े, ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना है कि अच्छे लोगों का हमें समूह दे। आज घमासान की टीम को जो पल्लवी व्यास मैडम, जो कि इंदौर की एक हाउसवाइफ थी, जिन्होंने अपने स्टार्टअप से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे युवाओं को और किसानों को और बेरोजगारों को पल्लवी व्यास मैडम से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में एक नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने के बावजूद भी अपनी एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, हमारे किसानों को एक सीखना चाहिए। और इस जिस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, विदाउट एनी सब्सिडी, हालांकि इन्होंने गवर्नमेंट से लोन तो लिया है, लेकिन लोन के अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसको इन्होंने एक साहसी महिला की तरह, साहसी उद्यमी महिला की तरह फेस किया और सारे चैलेंज को इन्होंने ओवरकम किया। मैं ऐसे साहसी महिला उद्यमी का सम्मान करता हूं और मैं सोचता हूं कि राष्ट्र को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें यहाँ ये देखना होगा कि पल्लवी व्यास मैडम ने किस तरह, उनके किचन में उनको एक थॉट प्रोसेस आया कि उनके परिवार का कोई सदस्य कैंसर की वजह से जूझ रहा था और उसको उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर के आइडिया में चेंज करा और चेंज करके अपनी एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। तो निश्चित ही ये काबिले तारीफ है। मैं घमासान.com इंदौर की टीम की ओर से उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने यहाँ आके हमारे ऑडियंस को अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।